नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू जयपुर वॉइस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शौर्य फाउंडेशन ने जयपुर में आज सांसद हनुमान बेनीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उसका कारण है उद्योगपति और भामाशाह मेघराज सिंह रॉयल के खिलाफ की गई बयानबाजी। बजरी खनन को लेकर हनुमान बेनीवाल पिछले दिनों प्रदर्शन कर रहे थे और मेघराज सिंह रॉयल के खिलाफ जो उन्होंने बयानबाजी करी उसको लेकर राजपूत समाज में खासा रोष व्याप्त है। लगातार हनुमान बेनीवाल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह पर विरोध जताया जा रहा है, ज्ञापन दिए जा रहे हैं मेघराज सिंह रॉयल को लेकर जिस तरीके से जो बयान हुआ। और आज जयपुर में शौर्य फाउंडेशन के द्वारा ये जो प्रदर्शन किया गया रैली के रूप में, ये प्रदर्शन वहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं, हज़ारों की संख्या में राजपूत समाज के युवा थे शौर्य फाउंडेशन के तत्वाधान में और लगातार जिस तरीके से अब प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे स्टेट में। और आज यहाँ पर एक लंबी रैली के रूप में इसको निकाला गया और सांसद बेनीवाल का पुतला भी शौर्य फाउंडेशन द्वारा जयपुर के अंदर जलाया गया है मेघराज सिंह रॉयल के समर्थन में। बहुत ज़्यादा अब धीरे धीरे जो प्रदर्शन हो रहे हैं और राजपूत समाज के चाहे युवा हों, चाहे सामाजिक नेता हों, चाहे राजनीतिक नेता हों, लगातार सांसद बेनीवाल पर निशाना साध रहे हैं। और आज शौर्य फाउंडेशन ने भी ये विरोध जताया है एक बड़ी रैली निकालकर और सांसद बेनीवाल का पुतला जलाकर, और कहीं ना कहीं इसका अब असर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लगातार समाज के जो नेता हैं, युवाओं का कहना है कि एक जो उद्योगपति है, एक समाज सेवी है जो हमेशा समाज के काम आता है, करोड़ों रुपए जो 36 कौम को जब ज़रूरत होती है, तो विशेषकर जिस तरीके से अभी भूंगरा में जो हुआ था उसको लेकर भी वो सामने आए थे जो मेघराज सिंह रॉयल हैं। और अब कहीं ना कहीं समाज के युवाओं में रोष व्याप्त है कि राजपूत समाज के बड़े एक भामाशाह के रूप में जाने जाते हैं मेघराज सिंह रॉयल, और समाज के लोग कह रहे हैं कि हमेशा समाज के साथ साथ 36 कौम के लोगों के लिए वो काम करते हैं, युवाओं को नौकरी देते हैं और सभी के लिए हमेशा वो काम करते हैं, इसी को लेकर उनमें गुस्सा है। और आज ये गुस्सा शौर्य फाउंडेशन ने भी जताया है विरोध प्रदर्शन करके जयपुर में, जिस तरीके से आज ये पूरी रैली निकाली है। देखिए बाकी की लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।